ओके तो गाइस नॉइस की तरफ से दो स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है, एक होने वाला है यहाँ पे कलरफिट प्रो 4 और एक यहाँ पे होने वाला है कलरफिट प्रो 4 मैक्स। तो गाइस ये जो दो स्मार्ट वॉच है ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा और इसका जो प्राइस होने वाला है यानी कलरफिट प्रो 4 का जो प्राइस है 3500 इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस होने वाला है और इसका प्रो 4 मैक्स का जो प्राइस होने वाला है ये 4000 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डिले करते हो तो ये आपको 4500 में देखने को मिलेगा और ये आपको 4000 में देखने को मिलेगा। तो ये था इसका प्राइस गाइस। अब यहाँ पे हम करेंगे साइड बाई साइड रिव्यू ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल पाए और आपको जो अच्छा लगे वो स्मार्ट वॉच आप ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कलरफिट प्रो 4 का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें यूजर मैनुअल एंड यहाँ पे आपको नॉइस के स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सभी को हम साइड में करते हैं और यहाँ पे रखा गया है स्मार्ट वॉच। वाओ, और स्मार्ट वॉच के साथ यहाँ पे आपको 2 पिन चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये रहा स्मार्ट वॉच। तो गाइस सबसे पहले इसके ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं। ओके एंड इसे भी हम फिलहाल साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं कलरफिट प्रो 4 मैक्स का। ओके इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने मिलते हैं और यहाँ पे कुछ और भी आपको देखने मिल जाएंगे, कैटलॉग वगैरह है और वारंटी कार्ड। सभी को साइड में करते हैं एंड यहाँ पे रखा गया स्मार्ट वॉच और स्मार्ट वॉच कुछ इस तरह से। चलिए इसे भी फिलहाल साइड में रखते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 पिन चार्जिंग केबल जो कुछ ऐसा होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यस ओके अब इसे सभी को साइड में करते हैं, फोकस करते हैं स्मार्ट वॉच पे गाइस। कलरफिट प्रो 4 मैक्स का यहाँ से स्टिकर हटा लेते हैं जो डिस्प्ले पे लगा होता है और यहाँ पे साइड बाई साइड करके सबसे पहले वेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कलरफिट प्रो 4 मैक्स का वेट कर लेते हैं। 44 ग्राम वेट होने वाला है, काफ़ी अच्छा वेट है। और यहाँ पर जो इसका छोटा भाई है 42 ग्राम इसका वेट होने वाला है, यानी कि जो प्रो 4 है इसका तो 2 ग्राम का अंतर है बस। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा वेट, लाइट वेट होने वाला है। दोनों को एक बार इन हैंड फील देख लेते हैं कितना अच्छा होने वाला है। तो गाइस यहाँ प्रो 4 मैक्स आप देख सकते हो ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जेट ब्लैक होने वाला है और हाथ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। काफ़ी लाइट वेट भी है और प्रीमियम भी लग रहा है। ओके अब यहाँ पे जो इसका छोटा भाई है यानी प्रो 4 इसे एक बार अपने कलाई में बांध लेते हैं। तो गाइस ये जो कलर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा आप देख सकते हो और ये भी काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है और मुझे काफ़ी हल्का सा फील हो रहा है। 2 ग्राम का वेट का यहाँ पे डिफरेंस है बट आपको काफ़ी दोनों सेम लगेंगे और दोनों आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इन हैंड फील में। तो गाइस यहाँ पे इन हैंड फील मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन का। ओके तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो कलरफिट प्रो 4 है इसका बिल्ड एंड डिजाइन देख लेते हैं। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो किस तरह का होने वाला है। यहाँ का जो डायल होने वाला है मेटल फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा और जो स्ट्रैप है यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रैप दिया गया है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल बनाया गया है और राइट साइड में यहाँ पे क्राउन बटन है जो वर्किंग क्राउन बटन होता है। बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेंसर वगैरह दिया गया है SPO2 के लिए, हार्ट रेट के लिए, 2 पिन यहाँ पे चार्जिंग के लिए बनाया गया है पॉइंट और यहाँ पे नॉइस का ब्रांडिंग किया गया है। और ये जो स्ट्रैप है इसे आप चेंज करके और भी स्ट्रैप आप ले सकते हो। ये स्पोर्ट स्ट्रैप आता है नॉइस का, ये भी आप ट्राई कर सकते हो जो काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ये जो बकेल है आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और ये जो लॉकिंग सिस्टम है ये सब काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बिल्ड एंड डिजाइन काफ़ी अच्छा होने वाला है और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5D कर्व ग्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। ओके ये कलरफिट प्रो 4 मैक्स होने वाला है और इसका बिल्ड देख सकते हो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम एलॉय का देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो क्राउन बटन है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह होने वाला है। और गाइस बैक साइड में आप देखोगे तो 2 पिन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पे हॉट रेट SPO2 के लिए दिया गया है और स्पिरिटरी रेट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो स्पीकर ग्रिल बनाया गया है जैसा आप देख सकते हो और स्ट्रैप का क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है, सिलिकॉन का स्ट्रैप होने वाला है। और यहाँ पे ये जो बकेल है ये काफ़ी अच्छा मैट फिनिश में आपको देखने मिलता है और ये जो जेट ब्लैक कलर है ये सच में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है गाइस। स्मार्ट वॉच के ऊपर आप देख सकते हो 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस तरह से और काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्यू एंगल वगैरह भी आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले का। ये कलरफिट प्रो 4 होने वाला है और इसका जो डिस्प्ले होने वाला है ये 1.72 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। TFT LCD पैनल का यूज किया गया है और 500 nits ब्राइटनेस के साथ आता है। तो यहाँ पे आउटडोर वगैरह में आराम से आप टाइम देख सकते हो और इंडोर में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आप कलर वगैरह देख सकते हो कितना अच्छा कलर दिख रहा है। यहाँ पे गाइस 356x400 pixel का यहाँ पे रेजोल्यूशन होने वाला है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह देखने को मिलेगा पिक्सल का। और यहाँ पिक्सल डेंसिटी का बात करें तो 311 आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। एज यू कैन सी कितना अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। ओके तो गाइस ये कलरफिट प्रो 4 मैक्स का डिस्प्ले जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है 1.8 इंच का काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले,
500 nits ब्राइटनेस के साथ आता है, तो इसे आप आराम से आउटडोर में यूज कर सकते हो, कितना भी सनलाइट आ रहा है आराम से आप टाइम देख सकते हो। यहीं पर रेजोल्यूशन का बात करूँ तो 240x285 पिक्सल का आपको देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पिक्सल डेंसिटी 207 का आपको देखने मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पे कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, डिटेल्स वगैरह काफी सही है। गाइस यहाँ पे आपको 40 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो आप देख सकते हो कितना स्मूथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कलरफिट प्रो 4 मैक्स का। ओके लेट्स टॉक अबाउट वॉच यूआई। ओके तो गाइस यहाँ बात करते हैं कलरफिट प्रो 4 के यूआई के बारे में। तो जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। जब आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दिया गया है, जैसे सेटिंग में जा सकते हैं, डीएनडी हो गया, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, डेट डेट टाइम वगैरह आप चेक कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे आप राइट स्वाइप करते हो तो एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप, ये सब आप देख सकते हो। जब आप यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे हार्ट रेट और यहाँ ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, ये सब आप देख पाओगे। तो और इसके बाद गाइस ये जो क्राउन आप देख रहे हो ये क्राउन वर्किंग है, जैसे वॉच फेस यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम वगैरह आपको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्राउन बटन यहाँ पे वर्किंग दिया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। ओके तो गाइस बात करते हैं कलर फिट प्रो 4 मैक्स के यूआई के बारे में। तो जैसे आप नीचे की तरफ करोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप नोटिस करोगे सभी का आइकन बनाया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे अगर कॉल का आया हुआ है नोटिफिकेशन तो वो आप पर्टिकुलर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैसेज का आप चेक कर सकते हो, मेल का कर सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह का भी आप चेक कर सकते हो और डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। इसका जब आप नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी कुछ शॉर्टकट की, जिसमें ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैशलाइट हो गया, डेट डे टाइम वगैरह आप चेक कर पाओगे। और इसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे एलेक्सा बिल्ट इन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आउटडोर रनिंग वगैरह हो गया, ये सब आप देख सकते हैं, एक्टिविटी, हार्ट रेट, ये सब आप चेक कर पाओगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे लैपटॉप करते हो तो एक्टिविटी हो गया, हार्ट रेट एंड स्ट्रेस मॉनिटर हो गया। इसके बाद आप और भी सारी चीज़ देख पाओगे, जैसे वर्कआउट हो गया और एलेक्सा बिल्ट इन आ जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। और ये जो बटन आप देख रहे हो ये डेडिकेटेड बटन दिया गया है, इस बटन के हेल्प से आप मेनू में जा सकते हो और ये सारा काम कर सकते हो। ओके तो चलिए इस बात करते हैं यहाँ पे ऐप यूआई के बारे में, जो दोनों स्मार्ट वॉच है इसमें आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। ओके तो जो आपको कलरफिट प्रो 4 में ऐप डाउनलोड करना है ये होने वाला है नॉइस फिट। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच कनेक्ट है, डिस्टेंस, स्टेप, कैलोरीज वगैरह आप ऊपर देख सकते हो, स्टॉप हो गया, एक्टिविटी, वॉच फेस में आते हैं, वॉच फेस में आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन हो गया, क्रोनोग्राफ हो गया, मिनिमल, एब्स्ट्रैक्ट, जियोमेट्री, काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा दिखते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि अपना मुखरे का पिक्चर लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद और भी आप अपने स्मार्ट वॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कलरफिट प्रो 4 में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर हो गया, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, फाइंड फोन का ऑप्शन है, माई अलार्म हो गया, तो ये सब कर सकते हो। जैसे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पे कुछ मैसेज आप टाइप करके रख सकते हो, किसी का मैसेज आता है तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, जैसे कैन आई कॉल यू लेटर, इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, आपको अपना फोन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये था इसका कलरफिट प्रो 4 का ऐप यूआई, जो काफ़ी सिंपल और यूजफुल बनाया गया है। और इसके बाद गाइस एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया, स्टॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया, तो स्टॉक्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, किसी स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर लो और उसका डेटा आराम से आप देख सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में ही, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके तो गाइस अब बात करते हैं प्रो 4 मैक्स में जो आपको ऐप डाउनलोड करना है, ये नॉइस फिट असिस्ट होने वाला है। ये भी आपको प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे देखने मिल जाएगा, कुछ इस तरह का होम पेज होने वाला है, काफ़ी मिनिमल सा डिजाइन है जैसा आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, स्किन टेम्परेचर वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, एम्बियंट साउंड लेवल भी दिया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज में आप देख सकते हो GPS इनेबल हो चुका है, आउटडोर रनिंग, यहाँ पे वॉकिंग, आउटडोर बाइकिंग वगैरह दिया गया है। डिवाइस में आते हैं, डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच फेस मार्केट, ओके यहाँ पूरा मार्केट क्रिएट कर दिया गया है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है ये सब। न्यू अराइवल्स आप देख सकते हो, कितना अच्छा खासा यहाँ पे वॉच फेस दिया गया है, बहुत ही सही से यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। फोटो वगैरह भी आप लगा सकते हो, प्रैक्टिकल, डूडल, कस्टम, ये सब आप सेट कर सकते हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इस तरह का वॉच फेस आप लगा सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं, कॉल इनेबल है, अलार्म क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं, एलेक्सा लॉगिन करके आप रख सकते हो। इसके बाद मोर सेटिंग में आते हैं, मोर सेटिंग में आप देख सकते हो DND हो गया, इंटेलिजेंट एक्सरसाइज रिकॉग्निशन है, यानी कि आप नॉर्मली अगर आप चलते हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप रनिंग करोगे तो ये आपको बताएगा कि आप स्पोर्ट्स मोड में जा रहे हो और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फाइंड फोन का ऑप्शन है, म्यूजिक कंट्रोल हो गया, रेस टू वेकअप, वेदर नोटिफिकेशन, वर्ल्ड क्लॉक, स्क्रीन ब्राइटनेस, ये सब आप देख सकते हो, शॉर्टकट यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ माई का ऑप्शन है, माई में आपका पर्सनल सारा डेटा रहता है और ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ऐप से आप बहुत सारा काम कर पाओगे और काफ़ी सिंपल सा बनाया गया और बहुत ही यूजफुल है। ओके तो चलिए गाइस बात करते हैं हेल्थ ट्रैकिंग फीचर एंड स्पोर्ट्स मोड का। ओके तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कलरफिट प्रो 4 मैक्स का हेल्थ ट्रैकिंग जो फीचर होने वाला है ये देख लेते हैं।
तो आपको आना है यहाँ पे नॉइस हेल्थ में। नॉइस हेल्थ में आप देख सकते हो हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस लेवल, नॉइस डिटेक्शन, ये सब आप कर सकते हो। स्लीप डेटा वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं। हार्ट रेट में आते हैं और यहाँ पल्स मीटर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे डेटा थोड़ा सा समय लगाएगा। गाइस यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं 83 और 85 का है, तो काफ़ी एक्यूरेट आपको हार्ट रेट डेटा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ ब्लड ऑक्सीजन ओपन करते हैं, तो गाइस आपको SpO2 का डेटा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सिमिलर होने वाला है। और यहाँ पे आपको और भी डेटा वगैरह आप देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस लेवल हो गया, नॉइस डिटेक्शन हो गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिबल आ रहा है, अभी मिनिमम और मैक्सिमम बताएगा। अगर कहीं पे नॉइस ज़्यादा है तो ये आपको डिटेक्ट करके बताएगा। हेलो मिस्टर रोहित, गाइस यहाँ पे मैं हल्ला करके सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो 82 डेसिबल आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 59 होना चाहिए, मैक्सिमम 85 है। तो गाइस यहाँ पे आप नॉइस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर होने वाला है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे और भी फीचर है, जैसे आप स्लीप डेटा वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं सोया नहीं हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं कलर फिट प्रो 4 के हेल्थ ट्रैकिंग फीचर का। तो गाइस आपको आना है यहाँ पे नॉइस हेल्थ में। नॉइस हेल्थ में आते ही हार्ट रेट हो गया, यहाँ पे एक बार डेटा चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो गाइस काफ़ी एक्यूरेट आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे SpO2 में, ब्लड ऑक्सीजन में। और गाइस यहाँ पे रेड लाइट भी जलना शुरू हो गया है, दोनों में दिया गया है 98, 99। काफ़ी एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। स्लीप डेटा वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं, स्ट्रेस हो गया, ब्रीथ मोड हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था इसका हेल्थ ट्रैकिंग फीचर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है। ओके, तो गाइस बात करते हैं कलर फिट प्रो 4 के स्पोर्ट्स मोड का। तो यहाँ पे आपको आना है वर्कआउट में। वर्कआउट में आते हैं यहाँ पे रनिंग स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट, इंडोर स्पोर्ट 2, आउटडोर स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, डांस, कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स, आपको बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रोप स्किपिंग है, काइट फ्लाइंग हो गया, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे। जैसे रनिंग में आप देख सकते हो ट्रेडमिल हो गया, ट्रेल रनिंग हो गए, तो आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे। अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो गाइस बात करते हैं कलर फिट प्रो 4 मैक्स के स्पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको आना है नॉइस, जैसा आप देख सकते हो हेल्थ हो चुका है। वर्कआउट में आते हैं, यहाँ व्यू हिस्ट्री वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, रनिंग वर्कआउट, साइकिलिंग, इंडोर वर्कआउट, आउटडोर वर्कआउट हो गया, प्रो ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया। चलो प्रो इस बार चेक करते हैं, कोर ट्रेनिंग, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ। और आप गाइस देख सकते हैं UI कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दिखता भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कआउट हो गया, वर्कआउट में ओपन गोल, टाइम गोल, कैलरीज गोल, तो आप सेट कर सकते हो इतना कैलरीज मुझे बर्न करना है और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आवाज़ आप सुन सकते हो कितना अच्छा लगता है सुनने में। और गाइस यहाँ पे वर्कआउट वगैरह आप देख सकते हो, बर्निंग हो गया, एरोबिक, और यहाँ पे आप सारा चीज़ चेक कर सकते हो। इंड करते हैं, तो इंड हो गया यहाँ पे। वर्कआउट काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, अगर आप एक वर्कआउट मैन हो, यानी वर्कआउट करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, तो काफ़ी अच्छा है स्मार्ट वॉच आपके लिए हो सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फीचर। ये जो दोनों स्मार्ट वॉच, इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं इस दोनों में कितना अच्छा आपको फीचर देखने को मिलता है। ओके, तो गाइस बात करते हैं कलर फिट प्रो 4 मैक्स के यहाँ पे फीचर के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें आप कॉल वगैरह लगा सकते हो, कॉल यहाँ पे आ भी सकता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे 198 पे मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम का सारा चीज आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे कॉल एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है, और यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, तो चलिए मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। अब गाइस इस पे एक कॉल लेकर देख लेते हैं किस तरह से हम बात कर पाते हैं, माइक वगैरह क्वालिटी कितना अच्छा होता है। हेलो, हेलो, हाँ भैया कैसे हो आप? ठीक है, अपना बताओ। मैं भी मस्त हूँ। अभी मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है? आवाज़ ठीक आ रहा है। मैं भी एक स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ और आवाज़ अच्छा आ रहा है, राइट? हाँ, आवाज़ अच्छा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और रिजेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ म्यूट वगैरह आप कर सकते हो। चलो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से कॉल आप रिजेक्ट कर पाओगे। ओके ओके, तो गाइस कलर फिट प्रो 4 मैक्स में आपको और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे और भी चीज़ आप कर सकते हो। नॉइस बज के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव कर सकते हैं, रिसेंट हो गया, कीपैड वगैरह दिया गया है, एलेक्सा यहाँ पे आप सिंक करके रख सकते हो, तो एलेक्सा कमांड वगैरह आप दोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हो गाइस। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सॉन्ग प्ले हो रहा है इसका नेम भी आ रहा है। इसके बाद गाइस और फीचर वगैरह दिया गया, जैसे वेदर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो विजेट कितना अच्छा दिख रहा है, UV वेरी हाई आ रहा है, विंड का स्पीड आ रहा है,
यहाँ पे सनसेट कब होगा, सनराइज कब होगा और 7 डेज का और यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेटा। तो ये गाइस यहाँ विजेट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्लॉक के ऑप्शन में आते हैं, क्लॉक में अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, वर्ल्ड क्लॉक टाइमर दिया गया है। इसके बाद नीचे आते हैं, सेटिंग में आते हैं, सेटिंग से आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे वॉच फेस हो गया, वॉच फेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, जो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह से आप वॉच फेस यहाँ पे आप कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे सेटिंग में दिया गया है स्क्रीन टाइम आउट हो गया, आप कितने देर के बाद स्क्रीन बंद करना चाहते हैं, रिंग टोंग हो गए, तो यहाँ से आप रिंग टोंग कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सच में एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है। ऐप व्यू है, ऐप व्यू आप ग्रिड रखना चाहते हो या लिस्ट व्यू रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको रीसेट, रिस्टार्ट और अबाउट डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है। तो फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इससे स्मार्ट वॉच का। ओके, तो गाइस यहाँ पे कलरफिट प्रो 4 में कॉल आ रहा है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई, आवाज़ कैसा आ रहा है? सही आ रहा है तुम्हारा आवाज़। ओके, तुम्हारा आवाज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे सो कर बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं। ओके, जस्ट मैं स्मार्ट वॉच का एक कॉल टेस्टिंग कर रहा था, करता हूँ थोड़ी देर में बाद। ओके, तो गाइस यहाँ पे भी आप म्यूट वगैरह कर सकते हो और आप इंड कर सकते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैसेज वगैरह का नोटिफिकेशन आता है, क्विक रिप्लाई वगैरह भी आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। अब गाइस यहाँ पे देख लेते हैं और जो फीचर इसमें दिया गया है। नॉइस बज हो गया, नॉइस बज में जैसे कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, डायल पैड हो गया, क्लॉक का ऑप्शन है जिसमें अलार्म, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉप वॉच, वर्कआउट का बारे में मैंने आपको बताया दिया है, यहाँ पे रिमाइंडर्स है। ओके, तो गाइस यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है, म्यूजिक में आते हैं। म्यूजिक में आने के बाद यहाँ प्ले पॉज आप कर सकते हो, नेक्स्ट लगा सकते हैं सॉन्ग को, यहाँ प्रीवियस आप कर सकते हो, वॉल्यूम को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इवन जो सॉन्ग प्ले हो रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे गाइस वेदर का ऑप्शन है, वेदर वगैरह आप देख सकते हैं। स्टॉक्स का ऑप्शन दिया गया, स्टॉक आप ऐड करके रख सकते हो। वॉच फेस हो गया, यहाँ पे वॉच फेस वगैरह आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिया गया है, और भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो। इसका स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया, आप ऐप से जाकर ऐड कर लेना जो भी स्टॉक का आप डेटा देखना चाहते हो, डायरेक्ट स्मार्ट वॉच के विजेट में आप देख सकते हो। फ्लैशलाइट का ऑप्शन दिया गया है जो कि 500 निट्स ब्राइटनेस है, तो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस रहेगा। सेटिंग में आते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट अवेक का ऑप्शन दिया गया है, ब्राइट स्क्रीन टाइम हो गया यानी कितने देर रखना चाहते हैं, DND हो गया। मेनू का व्यू आप किस तरह से रखना चाहते हैं, ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू है और आइकन के साथ है। स्क्रीन टाइम हो गया, DND हो गए। ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है, यानी कि जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे या ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे QR कोड है जो ऐप आपको डाउनलोड करना है। रीबूट का ऑप्शन है, पावर ऑफ और रीसेट आप कर सकते हैं। ओके, तो गाइस बात करते हैं बैटरी लाइफ का। तो ये जो दोनों स्मार्ट वॉच है, कलरफिट प्रो 4 और प्रो 4 मैक्स, इस दोनों में आपको अप टू 7 डेज का बैटरी देखने मिल जाएगा नॉर्मल यूज पे। अगर आप यहाँ ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज करते हो तो आपको अप टू 3 डेज का बैटरी देखने मिल जाएगा। तो आई थिंक बैटरी काफ़ी अच्छे है, चार्ज करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो गाइस यहाँ पे चार्ज जल्दी हो जाएगा, आराम से आप 3 दिन तक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज कर पाओगे और नॉर्मल यूज पे आपको 7 दिन का बैटरी देखने मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ दोनों का काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो फाइनली गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का। तो गाइस यहाँ पे जो कलरफिट प्रो 4 है और कलरफिट प्रो 4 मैक्स है, इसका हाई एंड वर्जन है प्रो 4 मैक्स, तो आप अपने हिसाब से दोनों स्मार्ट वॉच ले सकते हो, जिसमें आप कंपेटेबल हो वो आप ले सकते हो। दोनों काफी अच्छे हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, वहां जाकर आप ले लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड के क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। इस तरह का इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इन्वेंशन लिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।